गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मासी नागाल, व्याख्याता जीव विज्ञान, एटीएस स्कूल द्वारा संचालित कृषि जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिछले वीडियो से आगे का बिंदु। पिछले वीडियो में हमने देखा था विविधता उत्पन्न करने के लिए प्रथम चरण ग्रामीण, जो पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। आज हम शुरू करने वाले हैं जनन द्रव्य का संग्रह करना, जिसके आधार पर पादपों में विविधता उत्पन्न की जा सकती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जनन द्रव्य किसे कहते हैं। यहां मान लीजिए कोई फसल प्रजाति है और उसके संबंधित जंगली प्रजातियां हैं जो जंगल में पाई जाती हैं। माने कि यहां फसल का नाम है मक्का। अब इस मक्का की कई प्रजातियां हैं, कह सकते हैं विभिन्न प्रजातियां। और इससे संबंधित जंगल में पाई जाने वाली जंगली प्रजातियां हैं। यहां मक्का को हम एक काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फसल है। तो किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों और उनसे संबंधित जंगली प्रजातियों में पाए जाने वाले आनुवंशिक द्रव्य को जनन द्रव्य के नाम से जाना जाता है। किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों तथा उससे संबंधित जंगली प्रजातियों के आनुवंशिक द्रव्य को ही जनन द्रव्य कहा जाता है। इसे लिखते हैं अपन परिभाषा के रूप में, तो हम कहेंगे किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों तथा उसकी संबंधित जंगली प्रजातियों में उपस्थित आनुवंशिक द्रव्य को जनन द्रव्य कहते हैं। समझा है हमने, माना कोई फसल है और उस फसल की कई प्रजातियां हैं, तो किसी फसल की जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों में और उसकी जंगली प्रजातियों में जो उस मुख्य फसल से संबंधित होती है, इन दोनों प्रजातियों में जो आनुवंशिक द्रव्य, जो जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है, वह संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य ही जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म के नाम से जाना चाहता है। जनन द्रव्य को आनुवंशिक द्रव्य या आनुवंशिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। जनन द्रव्य को आनुवंशिक संसाधन भी कहा जाता है। जनन द्रव्य देखा, ये इसका दूसरा नाम।
किसे कहते हैं? किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों और उससे संबंधित जंगली प्रजातियों में उपस्थित आनुवंशिक द्रव्य को जनन द्रव्य कहा जाता है। जनन द्रव्य को अंग्रेजी में जर्मप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। चाहे जर्मप्लाज्म कहें या जनन द्रव्य कहें, वर्तमान में इन्हें आनुवंशिक संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। पादप प्रजनन के लिए आनुवंशिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत देश में भी इनको इकट्ठा करने के लिए, जनन द्रव्य का संग्रह करने के लिए एक संस्थान बनाया गया है जो कि जनन द्रव्य का संग्रह करने का कार्य करता है। ये कहां है और किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी में से संक्षेप में NBPGR कहते हैं, जो जनन द्रव्य का संग्रह करने का कार्य करती है। इसे हम बोलेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ये नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्थान भारत देश में जनन द्रव्य के संग्रह करने का कार्य, एकत्रित करने का कार्य, साथ ही उसका संरक्षण करने का कार्य करता है, जिनका उपयोग पादप प्रजनन क्रियाओं के अंतर्गत विविधता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में प्रश्न बनता है, NBPGR का पूरा नाम लिखिए, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। दूसरा प्रश्न बनता है, NBPGR का कार्य क्या है? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो क्या कार्य करता है? तो हम कहेंगे भारत देश में जनन द्रव्य के संग्रह का कार्य NBPGR अथवा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। विपरीत शब्दों में पूछिए कि जनन द्रव्य संग्रह का कार्य भारत में कौन से संस्थान के द्वारा किया जाता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आता है जनन द्रव्य से संबंधित कुछ डेफिनेशंस। देखिए, किसी फसल की वे किस्में जिनका विकास योजनाबद्ध रूप से किसी पादप प्रजनन द्वारा नहीं किया गया है। किसी फसल की वे किस्में जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी पादप प्रजनन द्वारा नहीं किया गया है, उन्हें देसी किस्मों के नाम से जाना जाता है। ये निरंतर हमारे गांव में या खेती करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है देसी किस्में। कहेंगे हम किसी क्षेत्र में लंबे समय से किसी क्षेत्र में लंबे समय से खेती करने के लिए
उपयोग में ली जाने वाली या उपयोग में ली जा रही ऐसी किस्में जिनका विकास योजनाबद्ध रूप से किसी पादप प्रजनक द्वारा नहीं किया गया है नहीं किया गया हो तो उन्हें देसी किस्म कहते हैं कोई भी एरिया है कोई भी जगह है वहां पर खेती करने के लिए एक लंबे समय से जो फसल की किस्म लगातार उपयोग में ली जा रही है बशर्ते उस किस्म का विकास पादप प्रजनन द्वारा नहीं किया गया हो बिना पादप प्रजनन द्वारा विकसित की गई किसी फसल की वह किस्म जिसका उपयोग लंबे समय से खेती करने के लिए किया जा रहा है उन्हें देसी किस्म या देसी किस्मों के नाम से जाना जाता है यानी सबसे मुख्य बात है कि पादप प्रजनन द्वारा विकास नहीं किया गया हो तो उस किस्म को देसी किस्म कहा जाता है दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो है अप्रचलित किस्में अप्रचलित किस्में इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं अपन पुरानी अप्रचलित किस्में ऐसी किस्में जिनका विकास तो पादप प्रजनक द्वारा किया गया है लेकिन उनका उपयोग खेती करने के लिए पहले किया जाता था वर्तमान में उनका उपयोग खेती करने के लिए नहीं किया जा रहा है तो उनको पुरानी या प्रचलित किस्में कहा जाता है फिर से सुनिए किसी फसल की ऐसी किस्में जिनका विकास पादप प्रजनन द्वारा योजनाबद्ध रूप से किया गया है लेकिन उनका उपयोग खेती करने के लिए पहले किया जाता था वर्तमान समय में उनका उपयोग खेती करने के लिए नहीं किया जा रहा तो ऐसी किस्मों को पुरानी अप्रचलित किस्में कहा जाता है तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे किसी पादप प्रजनक द्वारा योजना बद्ध रूप से विकसित की गई किसी पादप प्रजनन द्वारा योजना बद्ध रूप से विकसित की गई ऐसी किस्में जिनका उपयोग पहले किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में उनका उपयोग वर्तमान समय में उनका उपयोग
खेती के लिए नहीं किया जा रहा हो तो उन्हें पुरानी अप्रचलित किस्में कहा जाता है। मुख्य बात दोनों में क्या है, ये पादप प्रजनन द्वारा विकसित नहीं की गई और लंबे समय से खेती करने के लिए उपयोग जिनका बात भी हो रहा है तो वे कहेंगे देसी किस्म। इसमें पादप प्रजनन द्वारा तो विकसित तो की गई है लेकिन उपयोग खेती के लिए पहले किया जाता था, वर्तमान समय में उनका उपयोग खेती के लिए नहीं हो रहा तो उन्हें कहेंगे पुरानी अप्रचलित किस्में। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम इन दो परिभाषाओं के आगे की और परिभाषाएं जो हैं, जो जनन द्रव्य से संबंधित हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में